जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य संघ जिला अजमेर के बैनर तले जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों ने सोमवार को रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामे के बीच अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजकर उप सरपंच और वार्ड पंचों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए बजट और वित्तीय अधिकार दिए जाने की मांग की। वार्ड पंचों को एक निश्चित मासिक मानदेय दिए जाने की भी मांग की। संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें समस्त उप सरपंच और वार्ड पंचों के हस्ताक्षर कराए गए। पीसागन पंचायत समिति सदस्य अशोक सिंह रावत ने मांग पत्र की जानकारी देते हुए बताया, सभी लोगों ने मिलकर के और कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी का नाम का ज्ञापन सौंपा है। इसमें 7 प्रमुख मांगे हैं कि एक इनका निश्चित मानदेय हो, इनको एक निश्चित बजट मिले वार्षिक, क्योंकि जिस प्रकार से जिला परिषद सदस्य लगभग 40 से 50 हज़ार वोटों से जीत के आता है, पंचायत समिति सदस्य 2 ग्राम पंचायतों पर जीत के आता है, उसी प्रकार वार्ड पंच भी ग्रामीण जो एक अहम कड़ी है वहां से जीत के आता है। इन लोगों की अनुशंसा के ऊपर नाली बने, सीमेंट की सड़क बने, विकास कार्य हो, ताकि जनता में इनकी भी पेट।